दोस्तों नमस्कार। आईपीएल शुरू होने वाले हैं, अब कहीं होंगे विराट के कवर ड्राइव्स, तो कहीं रोहित के लेट कट्स, और रेनू के व्यंजन में होगा लेट कट का उल्टा कटलेट्स। जी हाँ, आज हम बनाएंगे कॉटेज चीज राइस कटलेट, यानी पनीर राइस कटलेट। आइए बनाते हैं। पनीर राइस कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बोल लिया है, एक कप ये हमने कुक्ड राइस लिए हैं, इस बोल में डाल देंगे। एक कप ग्रेटेड पनीर, दो से तीन चम्मच गेहूं का आटा, आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं। अब इसमें मिक्स करेंगे एक कटी हुई शिमला मिर्च, कटा हुआ प्याज, दो कटी हुई हरी मिर्च, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद से कम ज्यादा इसको कर सकते हैं, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सबको हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसके कटलेट बनाएंगे। अगर हमको लगेगा कि बहुत ज्यादा मॉइस्ट है तो हम इसमें थोड़ा सा आटा और डालेंगे। हम इसमें एक से दो चम्मच आटा और मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आइए अब इसमें थोड़ी हरी धनिया भी डाल देते हैं, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसके कटलेट बना लेंगे। इस तरीके से कर लें। कटलेट्स को हमने शेप दे दिया है, अब इनको हम सूजी हमने जो ली है उसमें इसकी कोटिंग करेंगे। हमारे कटलेट फ्राई होने के लिए तैयार, आइए फ्राई करते हैं। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और वो गर्म हो गया। इसमें हम दो से तीन चम्मच ऑयल डालेंगे, क्योंकि हम आज इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम शैलो फ्राई करेंगे। पैन में हम डाल देंगे अपने कटलेट, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। आइए इसको चेक कर लेते हैं, एक तरफ से थोड़ा हो गया है, इसको हम पलट देते हैं। ये कटलेट्स हमारे शैलो फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी शैलो फ्राई कर लेते हैं कटलेट। तो लीजिए, बन कर तैयार है पनीर राइस कटलेट्स, इसे आप भी बनाइए। तो अब एक तरफ होंगे आपके बनाए कटलेट्स और दूसरी तरफ रोहित शर्मा के लेट कट्स। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए रेणु शुक्ला का नमस्कार।